आज से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के संदर्भ में प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है, प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पर रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार के तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है, मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है, मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है, मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तेलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, महुआ, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70-75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपने का काम पूर्ण कर दिया गया है। मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का। धान और मक्के के साथ जो दलहन तेलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन जो होने हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। इस वर्ष हम सब लोगों ने एक विशेष अभियान लिया है, बीज उत्पादन को हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। बड़ी संख्या में विभिन्न फसलों के बीजों को दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था, हम सब लोगों ने कई बैठकें की हैं, उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और उन उच्च स्तरीय बैठकों में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए
एक नीति बनाई जाए, संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज। तो ये हाइब्रिड बीज के बिहार में उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है, ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है, यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो खरीफ और अरहर फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अरहर विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और 2024 में 1.86 लाख एकड़ में योजना का क्रियान्वयन कराया गया है और इस योजना के अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु 3600 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होके अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।